उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किसानों के साथ आढ़ती भी उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। आढ़तियों ने बड़े ही अनोखे ढंग से अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों की फसलों की खरीद करने वाले आढ़तियों पर 2.5% टैक्स लेने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके विरोध स्वरूप आढ़तियों ने सरकार की बुद्धि शुद्ध करने के लिए हवन किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की नवीन मंडी में फूड फ्रॉड ग्रेन कमीशन एसोसिएशन के बैनर तले आढ़तियों ने सरकार की बुद्धि शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया है। बता दें कि सरकार द्वारा आढ़तियों पर 2.5% टैक्स लेने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसका विरोध करते हुए आढ़तियों ने हवन यज्ञ करने का यह कदम उठाया है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। सर आपका अनुपम कुशवाहा, किस पद पर है यहाँ पर है मंडी? अच्छा सर, आज जो अनाज सामग्री ये जला रहे हो और हवंग कर रहे हो मंडी परिसर में कर रहे हो, इस ये क्यों कर रहे हो? भाई मंडी में हमारे यहाँ जो एक मंडी शुल्क लगता है जी, तो मंडी शुल्क सरकार ने 3 उसमें कर दिया है। मंडी यार्ड के अंदर जो काम करेगा उसको 2.5% लगेगा जी, और जो बाहर लगेगा वो 1.5% लगेगा, और जो वैसे विलेज व्यापारी वो फ्री काम करेंगे जी। उससे क्या है कि टैक्स के स्लैब से ये व्यापार प्रभावित हो गया हमारा, और हमारा जो उत्पाद है जो उसको हम खरीदेंगे वो 2.5% एक्स्ट्रा होगा, तो मतलब उत्पाद जो हमारा महंगा हो जाएगा तो हमसे कौन खरीदेगा। हमारी मांग सरकार ये है कि मंडी शुल्क जो भी है आप सब जगह एक जैसा मान कर दें, 1% कर दें या 0.5% कर दें, जो सब जगह अंदर या बाहर टैक्स एक समान हो जाए, जिससे व्यापार जो है प्रभावित ना हो, जिससे किसान का उत्पीड़न भी ना हो सके। किसान को कितना लाभ मिलेगा अगर जो आपका ये 10.5% का? किसान को लाभ ये मिलेगा कि किसान अभी जो अगर टैक्स स्लैब एक होगा तो किसान को जो व्यापारी एक समान हो जाएगा, तो मंडी में कंपटीशन होगा, जो विलेज व्यापारी होगा वो तो एक आदमी व्यापार करने जाएगा वहाँ जी, जिसने अगर 1,000 रुपये कोई चीज़ मांगी तो 1,000 में बेचनी पड़ेगी, मतलब वो अपना मतलब जो ना भाव से नहीं बेच पाएगा, मतलब मंडी मनमाने तरीके से लेगा जी। मंडी के अंदर जो व्यापारी काम करेंगे कोई 1,000 लेगा, कोई 1,020 लेगा, कोई 1,050 लेगा जी, तो किसान को इससे फायदा होगा। इसलिए हम लोगों की मांग ये कि सभी ये मंडी शुल्क जो है एक तो, समान कर दिया। तो इस तरह की जो कार्यक्रम कब तक आयोजित किए जाते रहेंगे? ये हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने 26 तारीख तक ये कार्यक्रम किया, 27 तारीख को लखनऊ में एक मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग होगी, उसमें अगर कुछ तय हो जाता हो ठीक है, उसके बाद नहीं तो हमारे अध्यक्ष जो श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं वो जो भी हम लोग आदेश देंगे उसी हिसाब से हम लोग सब काम पालन करेंगे। ठीक है, उद्देश्य आप यहाँ पर मंडी परिसर में किस कौन सा पद है आपका? मैं मंडी प्रेसिडेंट फ्रूट ग्रेन एसोसिएशन से। अच्छा सर, आज यहाँ पर जो ना ये हवन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये सरकार का शुद्धि बुद्धि हवन है, जिससे सरकार को बुद्धि मिले कि किसान और व्यापारी पीड़ित है। हम लोगों की मांग 2.5% मंडी शुल्क ख़त्म करने की है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडी शुल्क ख़त्म कर दिया पूरे प्रदेश में जी, राजस्थान हरियाणा और यहाँ 4% जो टैक्स था वहाँ 1% कर दिया गया, केवल उत्तर प्रदेश में 2.5% टैक्स अभी भी लग रहा है। तो हम लोगों की मांग ये है, सरकार जो है बाहर जब जो व्यापारी खरीदेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और जो मंडी परिषद के अंदर व्यापार करेगा उसे 2.5% टैक्स देना होगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो टैक्स जो है ख़त्म किया जाए, 50 पैसा टैक्स रखा जाए, 2 की जगह 2.5 की जगह 50 पैसा टैक्स रखा जाए, जिससे कि व्यापारी और किसान को दोनों को लाभ मिल सके। जब टैक्स ज़्यादा होगा तो टैक्स वो किसान पे ही मार पड़ेगी, टैक्स की मार जो कहीं की व्यापारी और उस पर नहीं पड़ती, टैक्स की मार सीधी किसान पर पड़ती है। अगर तो जब किसान जो है, अगर ये हवन जो आप कर रहे हैं इससे भी अगर जो बुद्धि शुद्धि नहीं हुई तो क्या करेंगे आप, कहाँ तक जाएंगे? अभी हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के संगठन ने 26 तक कल 27 को ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन के बाद नई रूपरेखा जो आएगी उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.